जय श्री महाकाल, जय माता रानी की। आप सभी का कल्याण करें और आप सभी को सुख रखें। आज के इस वीडियो में जिन को बुलाने के लिए विशेष साधना बताऊंगा, जिसका विशेष प्रयोग करेंगे तो 100% के तौर पर जिन है वो हाजिर होगा और उसकी सिद्धि भी होगी। तो आप पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सकता है जितना हमें भी आप सहयोग करें। आपके लिए बहुत सारी साधनाएं हम दे रहे हैं, जो कि विशेष एक प्रयोग के आधार पर साधनाएं देते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। बात करते हैं जिन के बारे में। अगर आपको जिन या जिन्नात की साधना है तो उनको करना चाहते हैं, उनकी सिद्धि करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? एक तो उसमें ये होता है कि आपको पाक्षाप विशेष तौर पर रहना पड़ता है। उसी धर्म के अनुसार कुछ होते हैं, जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। इस दुनिया में धर्म में जो धारण करने योग्य चीज़ें हैं, धर्म है वो आप जिस धर्म के साथ में रहते हैं तो उस धर्म के कुछ नियम होते हैं, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, मुस्लिम, ईसाई, जो कोई भी है धर्म, उनके अलग अलग उनका शेड्यूल होता है। तो उन्हीं के अनुसार अगर कोई साधना करते हैं तो हो सकता है कि उसमें सफलता अवश्य मिलती है। आज बात करते हैं इस्लामिक साधना पर, जो कि जिन जिन्नात को बुलाते हैं। जैसे ही हिंदू धर्म में ये वीर वगैरह होते हैं, वैसे बुलाते हैं वीर है, कर्ण पिशाचनी है, यक्षिणी है, उसी प्रकार से इस्लामिक धर्म में भी जिन है, जिन्नी है, परी है, इनको ये बुलाते हैं और उनकी साधनाएँ हो करते हैं और वो सिद्धियाँ भी होती हैं। जिन शक्ति एक कोई मामूली शक्ति नहीं होती है, वो आत्माएं होती हैं उन इंसानों की जो बहुत पावरफुल होते हैं। उन्हीं की इलम की दुनिया में बहुत कुछ बड़ी शक्तियाँ होती हैं, जिनकी साधना करने से, उनको पुकारने से वो शक्तियाँ हाजिर होती है। और जब भी हाजिर होती है तो उनके लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, और कुछ समय तक अगर साधक उन शक्तियों को सिद्ध करके अपने साथ में रखता है और उसका कोई बैकग्राउंड सिद्धि नहीं होता है, कोई इष्ट साधना नहीं होता है, तो भी फिर साधक के साथ में कुछ भी अनहोनी भी करते हैं, उसको मारते भी हैं, उसको पीटते भी हैं, उसको न जाने क्या क्या ये करते हैं, जो 100% के तौर पर सही है। और जिन जिन्नात की जो भी साधनाएं लोग करते हैं, उनके साथ में रियल लाइफ में जो होता है, वैसे ही उनके साथ में रियल लाइफ में वो उनको स्वयं को दिखते हैं, उनके साथ में रहते हैं, उनका हर कोई काम भी करते हैं, लेकिन उनके बंधन में भी उनको साधक को रहना पड़ता है। उनकी भी कुछ आवश्यकताएं होती है, उनके भी कोई शेड्यूल होते हैं लाइफ के, तो उन्हीं के अनुसार साधक को फिर कुछ ढलना पड़ता है। जिन जिन्नात की दुनिया है, उनकी दुनिया में भी वो भी अपनी लाइफ जीते हैं। चाहे वो एक इंसान का मृत्यु होने के बाद में आत्मा भटकती है या कुछ भी है, लेकिन जब वो उन्हीं की जो उन्हीं का लाइफ स्टाइल होता है शक्तियों का, वैसे उनका जिन जिन्नात का भी एक जीने का अलग तरीका होता है। उनकी लाइफ में भी सब कुछ होते हैं जो इंसानी लाइफ में होता है। तो जब उनको बुलाना, उनकी सिद्धि करना, तो वो क्या होते हैं, जिन जिन्नात होते हैं, वो भी अपनी जो भी इलम की दुनिया है, उनकी दुनिया है, जिन्नात की दुनिया है, उनमें अपनी लाइफ जीते हैं, जो कि उनके भी सब कुछ पारिवारिक तौर पर रिश्ते नाते होते हैं। अगर आपको इस बात का पता नहीं है तो आप किसी भी अच्छे कोई इस्लामिक आदमी हैं, जो कोई भी मौलवी साहब वगैरह, तो उनको पूछ के भी पता कर सकते हैं। जो भी मैं कह रहा हूँ वो 100% के तौर पर बिल्कुल सही और सत्य है, ठीक है। तो जब उनको बुलाते हैं तो वो उनके परिवार से छोड़कर उनको अपने पास में आते हैं, अपनी सिद्धि के लिए, अपना काम करने के लिए आते हैं, और वापस वो उनके परिवार के साथ में रहते हैं, जो जिन्नों की एक दुनिया होती है, जिन जिन्नात की। इनकी साधना करने के लिए आपको
विशेष तौर पर क्या करना पड़ता है कि कुछ नात वगैरह होती हैं, कुछ सुर वगैरह होती हैं, उनका स्टडी करना पड़ता है। जैसे सुर मुजमिल, सुर फातिया, ये एक ऐसी सुर है कि इनकी साधना करने से बहुत कुछ होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप पता कर लेना, और मैं जो कह रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनना। आप अगर सुर फातिया पढ़ रहे हैं या सुर मुजमिल पढ़ रहे हैं तो आप कितना दिनों से पढ़ रहे हैं और कितने समय में पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत विशेष शक्ति है। इन शक्तियों को जब इनकी साधना करते हैं, इनका स्टडी करते हैं सुर फातिया और सुर मुजमिल की, तो बहुत सारी शक्तियाँ होती है वो आपके कंट्रोल में रहती है। आप उसके बाद में अगर किसी भी जिन्नात है या किसी भी दूसरी शक्ति का अगर कोई इलम ऐसा किया हुआ है, काला जादू, जो कोई भी अगर किसी भी साधक का अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो भी वो इनकी स्टडी से वो ठीक हो जाते हैं, 100% सही है। और आप किसी भी जिन को बुला के उसको कब्जे में करना चाहते हैं, अपने वश में करना चाहते हैं तो भी वो हो जाते हैं। ये बहुत पावरफुल शक्ति है सुर फातिया और सुर मुजमिल। लेकिन इनके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप एक दो दिन करेंगे, पाँच दिन करेंगे और आपके लिए सब कुछ हाजिर हो जाएगा आपकी खिदमत में, तो ऐसा मुश्किल है। इनके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको इनकी साधना है, इनका अध्ययन है, वो आपको लंबे समय तक करना पड़ेगा। 1.5-2 महीने तक जब आप करेंगे तो आप एक पावरफुल आदमी बन जाएंगे, पावरफुल इंसान बन जाएंगे। जब आप इतनी लंबी इनकी कुछ साधनाएं करते हैं, जब भी आप बैठे तब आपके इनकी घंटे घंटे पर इनकी स्टडी करते रहो, एक जगह स्थाई कहीं बैठ के साफ सुथरे जगह, साफ सुथरे नहा धो के कपड़े वगैरह अच्छे पहन के, सर वगैरह ढक के, चाहे अपने घर में बैठते कोई बात नहीं, अपने साफ सुथरे कमरे में बैठो और रोजाना इसकी लगातार घंटे पर स्टडी करो, मतलब पढ़ते रहो उसको। क्योंकि सुर फातिया और सुर मुजमिल है वो थोड़ा बड़ा है, एक मंत्र के टाइप में नहीं है जो आप एक दो शब्द में उसको पूरा कर सकते हैं, तो आप किसी कागज़ पर लिख के हैं, आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप नेट से मोबाइल से सर्च करके गूगल पर के भी देख सकते हैं, आपको हिंदी में बिल्कुल मिल जाएगा। तो उनकी आप रोज़ाना स्टडी करो, जब आप इनका 1.5-2 महीने करेंगे तो आप एक पावरफुल इंसान बनेंगे। फिर उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि किसी जिन को सिद्ध करना है, किसी को बुलाना है, या फिर किसी के कोई समस्या है तो उन पर आप उनको दम करके पानी पिलाते हो, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, या उन पर झाड़ फूक भी करते हैं इनके ज़रिए तो वो भी ठीक हो जाता है। 100% सही कह रहा हूँ, इतना पावर है इन स्टडी मटेरियल में, बहुत ज़्यादा पावर है। अब हर धर्म की भावनाएं, लोगों की भावनाएं होती है, मन का, धर्म की कोई भावनाएं नहीं होती है, लोगों की भावनाएं होती है, लोगों की सूझबूझ अलग होती हैं। लोग अपने नज़रिए से रोजाना, एक प्राचीन काल से किसी के दिमाग में कुछ, जैसे एक कील मार दी हो ना कि इसी कील पर बस टिका हुआ रहना चाहिए, तो वो इंसान आज के समय में बस उस कील को पकड़ के खड़ा है, इंसानी दुनिया को नहीं देख रहे हैं, ये उनकी एक समस्या हो गई है। आज वर्तमान का इंसान है उसको समझना चाहिए यार, ये दुनिया है। मान लीजिए आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में मान लीजिए आप 80% हिंदू धर्म वाले हैं, सनातन धर्म वाले हैं, और आप किसी काम से यूके वगैरह चले गए, तो फिर वहाँ पे तो धर्म वाले वहाँ पे फिर 80% से ऊपर अलग धर्म वाले मिलेंगे आपको, फिर आपकी कील वहाँ पे वो काम नहीं करेगी। ये एक सोच होती है, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में क्या है, इस्लामिक तौर है, तो उनकी सोच होती है। अब इंडिया में बहुत से इस्लामिक होते हैं, उनकी एक सोच होती है कि हिंदू ऐसा है तो वो हिंदू सोच रखता है, कि मुस्लिम ऐसा है तो बहुत सोचता है कि ऐसा है। तो ये एक कोई धर्म पर आपको नहीं जाना, ये एक अपना मेडिटेशन
अध्यात्मक ज्ञान है। अध्यात्मक ज्ञान जिस भी इंसान से लेते हैं, चाहे कोई भी धर्म का हो, इंसान मतलब ज्ञानी होना चाहिए। अगर इंसान ज्ञानी है तो उनसे ज्ञान लेने में कोई एतराज नहीं है। धर्म चाहे कोई भी है, हर किसी पर कोई बंधन नहीं होता है कि इसका इस धर्म से इसके साथ में बैठने से वो पहनावा पहनना पड़ेगा या उसका खाना खाना पड़ेगा। वो धर्म में आदर करना सभी का एक उद्देश्य होता है। तो आप अगर ऐसी साधनाएं करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा मटेरियल बताया इस वीडियो में। आप ज़रूर ऐसी साधनाएं हैं अपने ज्ञान की पूर्ति करें और लाइफ का शेड्यूल है उसको परिवर्तन करें। अगर और भी कोई साधनाएं आपको करनी है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। अदृश्य दुनिया में पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे 10-15 दिन कोई मंत्र जप करके अदृश्य दुनिया में नहीं पहुंचा जा सकता है। जब इंसान निर्वाण प्राप्ति होती है, उसको मोक्ष प्राप्ति होती है, तब उसका इंसान का जो शेड्यूल होता है, उसका मटेरियल होता है, वो बहुत खुश होता है। इसलिए ये सब समझना पड़ता है। ये संसार, इस संसार में इंसानी दुनिया, हर मन की भावनाएं अलग होती हैं, उनको समझना पड़ता है, तब जाके अध्यात्म में पहुंचा जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। जय श्री महाकाल।